हाय गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि आप चैन पुलिंग कब कर सकते हैं, बिना वजह चैन पुलिंग करने के नुकसान क्या होते हैं। तो इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के तहत अगर फिर आप बिना वजह चैन पुलिंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना, नहीं तो 1 साल का जेल हो सकता है धारा 141 के तहत। आप चैन पुलिंग कब कर सकते हैं, या फिर ट्रेन में आग लग गई हो इस वजह से आप चैन पुलिंग कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया हो, या दिल का दौरा, या फिर उसे हार्ट अटैक आ रहा हो, इस मुसीबत में आप चैन पुलिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रेन में चोरी डकैती मर्डर हो रहा है, इस कंडीशन में आप चैन पुलिंग कर सकते हैं। अगर से कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में चढ़ने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, इस वजह से आप चैन पुलिंग करके उस व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं, या फिर आपका छोटा बच्चा छूट गया है, इस वजह से आप चैन पुलिंग कर सकते हैं। ऐसी इमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।